हेलो लर्नर्स एंड व्यूअर्स, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के पर्यावरण विज्ञान विषय में जो सीनियर सेकेंडरी का कोर्स है उसमें मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये एक लाइव पीसीपी प्रोग्राम है। लर्नर्स, हमने पिछले बार जब बात की थी तो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन यानी कि पर्यावरणीय विधानों के बारे में बात कर रहे थे, और ख़ास तौर से हमने बात की थी जो भारत का यानी राष्ट्रीय जो विधान है उसके बारे में बात की थी। और उस समय जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात की थी लेजिस्लेशन की ज़रूरत क्यों है, क्यों पड़ी थी, वाटर एक्ट क्या था, एयर एक्ट क्या है, इन्वायरमेंट एक्ट क्या था, और हमने साथ साथ बात की थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और उसका जो संशोधन था यानी अमेंडमेंट था 1982 में, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बारे में बात की थी। इस प्रोग्राम जो ये प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं ये भी इसी का रिमेनिंग पार्ट है, पार्ट टू है, और ये लेसन नंबर आपका 23 है और मॉड्यूल 7 ही है। और इसमें हम जो बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेशन जो बनाए गए थे, विधान या कानून बनाए गए हैं, उनको बनाने का या लागू करने का उद्देश्य क्या था। सिंपल सा उद्देश्य है कि हमें हमारे पर्यावरण को अवक्रमित होने से बचाने के लिए ही हम ये विधान लागू करते हैं, बनाते हैं और फिर उसका पालन भी करवाते हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे हमारे जैव विविधता एक्ट 2000 यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000 के बारे में। और क्योंकि नेशनल लेवल के लेजिस्लेशन पर हम बात कर चुके हैं तो अब हम बात करेंगे साथ में इंटरनेशनल लेजिस्लेशन में क्या कौन कौन से विधान हैं, कौन कौन से लेजिस्लेशन हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मैं नीलम गुप्ता, कोर्स कोऑर्डिनेटर इन्वायरमेंटल साइंस, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। तो अब हम बात करते हैं, बता तो दिया ही है कि हम क्या बोलने वाले हैं कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में बात करेंगे जो 2000 का है, और कुछ ग्लोबल कन्वेंशन और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पर्यावरण के क्षेत्र में उसके बारे में बात करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है ये 2000, ये बिल पार्लियामेंट में 15 मई 2000 को लाया गया था। लेकिन इसके उद्देश्य क्या था कि आपको मालूम है कि भारत की जो जैव विविधता है वो बहुत ही विशाल है। यहाँ पर लगभग 45,000 प्लांट स्पीशीज़ और बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ हैं और उनसे संबंधित जानकारियाँ भी हैं। तो इस अधिनियम के तहत सभी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है यानी सबका जो भी समांतर लाभ है वो सभी को मिले, इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही एक थॉट प्रोसेस किया गया था। और इस थॉट को जो ब्रेनस्टॉर्म के बाद में जब इसमें कुछ मटेरियल हमारा तैयार हुआ तो हम एक एक्ट यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनकर तैयार हुआ। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 15 मई 2000 को पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की, उसको ये भेजा गया था एग्जामिनेशन के लिए और रिपोर्ट के लिए और रिकमेंडेशन के लिए रेफर किया गया था। और इसका जो लेजिस्लेशन यानी इस विधान का जो उद्देश्य था वो ये था कि साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर हम जो लाभ है इस बायोडाइवर्सिटी का जो प्रयोग करेंगे, इसकी जो उपलब्धियां हैं, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनकी उपलब्धियां हैं, उनका को नियंत्रित करें और जिससे उनके जो प्रयोग का से जो लाभ मिलेगा उसका समान रूप से वितरण भी किया जा सके। जब पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने इसको ऑब्जर्व कर लिया, उनके कुछ एविडेंस उन्होंने रिकॉर्ड किए और उन्होंने उसको अप्रूवल दिया, और ये बिल उसी कुछ अमेंडमेंट के साथ कैबिनेट को में भेजा गया प्रपोजल, और वहाँ पर जो रिकमेंडेशन दिए गए थे स्टैंडिंग कमेटी द्वारा उनको अप्रूव करके ये कमेटी के जो रिकमेंडेशन जो थे उनके बाद कैबिनेट ने इसे प्रपोजल को अप्रूव कर दिया। और दिसंबर 2002 को ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल 2002 लोकसभा में पारित हुआ और राज्यसभा में ये 11 दिसंबर 2002 को पारित हुआ था। तो इस बिल के जो इस लेजिस्लेशन के जो सेलियंट फीचर हैं, विशेषताएं क्या हैं, इस विधान को लाने का, एक्ट को लाने का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारी भारत की जो विशाल
जैव विविधता है और उससे जो जुड़ी हुई ज्ञान है हम उसकी रक्षा करना। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसे हमारे चीज़ों का कोई इस्तेमाल फॉरेन विदेशी लोग ना करें और कोई संस्थाएं हमारी परमिशन के बगैर हमारे इन रिसोर्सेज का उपयोग अपने लिए ना कर पाएँ। और साथ में बायोपायरेसी को भी चेक करने के लिए, बायोपायरेसी मतलब कि किसी देश की जो चीज़ें हैं उसको कोई दूसरा देश, जो जैविक संसाधन हमारे देश के हैं वो कोई दूसरा देश अगर बगैर परमिशन के उस उद्देश्य हमारी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर लेता है तो वो हमारी अनुमति के बगैर कोई ना करे, हमें पता हो कि हाँ उन्हें हमारी इस डाइवर्सिटी का या हमारे इस जैविक रिसोर्स का उनको ज़रूरत है और उससे उनको लाभ मिलेगा अगर वो हमारी परमिशन से करें, तो ये बायोडाइवर्सिटी जो बायोपायरेसी है उसे चेक करने के लिए ही इस बिल में प्रावधान दिया गया था। और ये एक्ट जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है ये इसमें ये प्रोविज़न देता है कि नेशनल लेवल पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना की जाए, स्टेट्स में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की जाए यानी SBBC का काम होगा, और लोकल यानी स्थानीय स्तर पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती हैं तो इस बनाई जाए, ये इस एक्ट में प्रोविज़न दिया गया था। जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड हैं वो कोई भी डिसीज़न बगैर जो लोकल बॉडी है यानी जो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी हैं उनके बगैर ये कोई भी चाहे NBA हो या SBB हो ये कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं और इन ये उनके उनसे सम जो भी अगर इन्हें लेना है तो उसमें BMC की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि BMC जो है जैव विविधता का उस क्षेत्र की जैव विविधता का आकलन करती है, उसका संरक्षण करती है और जो सस्टेनेबल यूज़ है उसको कराने का काम भी इसी का होता है। तो BMCs आर टू प्रमोट कंजर्वेशन, संरक्षण की बात को प्रमोट करती हैं, सस्टेनेबल यूज़ पर जोर देती हैं और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी उस क्षेत्र की क्या जैव विविधता है इसका डॉक्यूमेंटेशन भी वही करती हैं। अगर किसी फॉरेन इंडिविजुअल को यानी किसी विदेशी को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है या उससे संबंधित किसी भी नॉलेज को या ज्ञान को अगर उन्हें लेना है तो इसके लिए वो उन्हें प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा NBA से, अदरवाइज़ ये फिर बायोपायरेसी में आज काउंट हो जाएगा। अगर हमें कुछ अपने लिए रिसर्च में लेना है या कहीं भी कुछ यूज़ करना है तो पहले हमें उसके लिए, अगर हम फॉरेन नेशनल्स हैं या कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें सबसे पहले हमारे NBA से इसकी परमिशन लेना ज़रूरी होगा। अगर कोई भारतीय भी इंडियन इंडिविजुअल या कोई संस्थान ये चाहता है कि हम किसी फॉरेन पर्सन के साथ या फिर फॉरेन बोर्ड के साथ किसी संस्था के साथ कोई रिसर्च संबंधी कुछ काम करना चाहें तो उसके लिए भी हमें NBA का से परमिशन लेनी होगी, उसके लिए इसका अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हमारी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या उससे जुड़ी हुई कोई भी नॉलेज को कोई भी ज्ञान को हम दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसको ये इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर कोलोबरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट है या फिर हम नॉलेज या रिसोर्स का एक्सचेंज कर रहे हैं उस स्थिति में ये एग्जम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं नॉलेज वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी तैयार निर्धारित है उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं और हमारे पास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्टली हम उनसे डील कर सकते हैं कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है तभी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है कि
कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ और बेनिफिट शेयरिंग की बात हम करते हैं। अगर क्योंकि अगर पहले हमने बात की कि विदेशी और विदेशी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर इंडियन किसी विदेशी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करता है तो उसको एनबीए की ज़रूरत है, लेकिन अगर भारतीय नागरिक या भारतीय जो संस्थाएं हैं या लोकल जो पीपल हैं जिनमें कि वैद और हकीम हैं, अगर वो इन बायोलॉजिकल रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके लिए फ्री एक्सेस है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंट्री के अंदर अपने यूज़ के लिए और मेडिसिनल और रिसर्च पर्पज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, उन्हें किसी तरह की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब जो एनबीए है वो अगर कोई अप्रूवल देता है तो उसमें वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस निर्धारित करता है और उन टर्म्स एंड कंडीशन को मानना जरूरी है, और ये टर्म्स और कंडीशन आईपीआर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। आईपीआर का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सपोज़ किसी ने कुछ अपना ब्रेन इस्तेमाल करके कुछ तैयार किया है, कुछ रिसर्च किया है, उसको आप ऐसे ही उसको बगैर क्रेडिट दिए नहीं कर सकते हैं। तो बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी फॉर्म ऑफ आईपीआर इन और आउटसाइड इंडिया फॉर एन इन्वेंशन बेस्ड ऑन रिसर्च और इंफॉर्मेशन ऑन ए बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया, तो उसके लिए भी एनबीए का प्रायर अप्रूवल लेना ज़रूरी हो जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी लेकिन थोड़ा सा बात कर देते हैं। जैसे हमने पहले ही बात की कि ये वो राइट्स हैं जो कि किसी जो कोई पर्सन है जिसको दिया गया है क्रिएशन क्यों राइट्स गिवन टू पर्सन ओवर द क्रिएशंस ऑफ देयर माइंड्स। और बहुत सारे देशों में चार तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको लीगली प्रोटेक्टेड किया गया है, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट्स हैं और ट्रेड सीक्रेट्स हैं, और ईच हैज़ देयर ओन एट्रीब्यूट्स रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट, और देयर विल बी देयर इज एन इनेबलिंग प्रोविजन फॉर सेटिंग अप अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। एनबीए के जब अप्रूवल लेते हैं तो उसमें कुछ मॉनिटरी एनबीए जो अप्रूवल दे रहा है या तो उसमें ना कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स के फॉर्म में हो सकता है, फीस हो सकते हैं, रॉयल्टी होते हैं जब एनबीए अप्रूवल देता है, और जब ये रॉयल्टी के फॉर्म में या बेनिफिट मॉनिटरी बेनिफिट के फॉर्म में जब आता है तो उसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड में जमा किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, और वहाँ तो ये फंड का बाद में इस्तेमाल किया जाता है उस एरिया से जहाँ पर कि ये रिसर्च की गई थी, और ये जो रिसर्च की और वहाँ के एरिया के प्रोग्रेस के लिए, विकास के लिए, और उस जो रिसोर्स है उसको कंजर्व करने के लिए जो वहाँ की सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे कंसर्न करके ही इस फंड का, इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। देर इज़ अ प्रोविज़न फॉर नोटिफाइंग नेशनल हेरिटेज साइट्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन ऑफ सेल्फ लोकल जो गवर्नमेंट है उस मतलब कि अगर चाहे वो स्टेट बायोडाइवर्सिटी के लोग हों या फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के लोग हों, वो हमेशा लोकल अथॉरिटी के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, लोकल पीपल के साथ ही कंसल्ट करके किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी इम्पोर्टेंट करते हैं, तो उसमें इनकी भूमिका बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल जो है क्या क्या चेक करता है, दिस बायोपायरेसी को प्रोटेक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करता है, प्रोटेक्ट करता है, और लोकल ग्रोवर्स जैसे फार्मर हैं, तीन तरह के थ्री टीयर के स्ट्रक्चर की तरह से ये काम करता है, कैसे, सेंट्रल, स्टेट बोर्ड एंड लोकल कमिटीज़ मिलकर ही ये सब चीज़ें चेक करती हैं, उस पर अपना मतलब कि कोलोबरेटिव फंक्शन है इसका। These will regulate
एक्सेस टू प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स जेनेटिक रिसोर्सेज एंड शेयर द बेनिफिट्स और NBA प्रपोज्ड NBA विल डील ऑल केसेस ऑफ एक्सेस ऑफ बाय फॉरेनर्स. यानी कि अगर हमारे कोई भी जेनेटिक प्लांट एनिमल का जेनेटिक रिसोर्स है या उसका जो बेनिफिट क्या है, इस तरह का संबंधी कोई भी अगर काम होता है तो उस और वो अगर किसी फॉरेनर द्वारा किया जाता है तो NBA उसको डील करती है. तो NBA सिविल कोर्ट के तरह से भी काम करती है. तो NBA विल एंजॉय द पावर ऑफ सिविल कोर्ट. इसके अलावा सेंटर के पास में ये अथॉरिटी है कि अगर वो डायरेक्टली स्टेट को नोटिस इशू कर सकता है, उसे डायरेक्शंस दे सकता है अगर उन्हें लगता है कि जो उस स्टेट में या उस किसी क्षेत्र में जो नेचुरली रिच बायोडायवर्सिटी एरिया है उसे खतरा है, उसको ओवरयूज़ किया जा रहा है या निगलेक्ट किया जा रहा है. जैसे अगर आप देखें तो अगर कहीं वन काट रहे होते हैं तो हमारी NBA या सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रोक सकती है कि ये इस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं. तो ये बात हुई हमारी बायोडायवर्सिटी एक्ट 2000 की, जिसमें हमने बात की जो हमारा ये लास्ट एक्ट था नेशनल लेवल पर किस तरह से हम काम करते हैं और NBA का क्या रोल है, NBA किस तरह से परमिशन देता है, उससे जो परमिशन देता है अप्रूवल देता है और कुछ रॉयल्टी या फीस आती है तो किस तरह से इस्तेमाल की जाती है. अब हम बात करना चाहेंगे इंटरनेशनल लेजिस्लेशन के उसमें कि इंटरनेशनल लेजिस्लेशन कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो कि जैसे नेशनल लेवल पर हमारे लेजिस्लेशन बने, कोई विधान बनाया, कानून बनाया, उस तरह से उसको कोई पावर नहीं होती कि वो बनाए और ना ही ऐसी कोई इंटरनेशनल एजेंसी है उसको ये पावर है कि वो रेगुलेट कर पाए, नेचुरल रिसोर्सेज को रेगुलेट कर पाए ग्लोबल स्केल पर. तो उसके लिए उससे क्योंकि कोई इंटरनेशनल एजेंसी इस तरह का नहीं काम कर सकती है तो इधर प्रोटोकॉल, कन्वेंशन और ट्रीटीज़ के फॉर्म में ही काम होता है, यानी सभी की सहमति से ही हम काम कर सकते हैं. तो इसके फलस्वरूप हम अगर देखें इसका परिणाम क्या होता है कि इंटरनेशनल लेजिस्लेशन मस्ट बी डिपेंड ऑन द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज़. यहाँ जो कंट्रीज होती हैं उनको हम पार्टीज़ की तरह से लेते हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा इंटरनेशनल लेजिस्लेशन, यानी सर्टेन इशूज ऑफ मल्टी नेशनल कंसर्न आर एड्रेस्ड बाय कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज, एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज दैट आर लोकली कॉल्ड इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस. मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेशंस आर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जैसे हमने बात की, टू विच नेशंस अडहर वॉलेंट्रली, यानी कि सभी देश उसमें अपना कंसर्न देते हैं. और इसके लिए आगे बात करेंगे कौन कौन सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं. तो ये एग्रीमेंट जो है फाइनलाइज होते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ के द्वारा और कन्वेंशन प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क टू बी रिस्पेक्टेड बाय ईच पार्टी विच हैज़ टू अडॉप्ट इट्स ओन नेशनल लेजिस्लेशन टू मेक श्योर दैट कन्वेंशन इज इम्प्लीमेंटेड एट नेशनल लेवल. यानी कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर सपोज ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करते हैं तो उसका जो प्रोटोकॉल आया या उसकी है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, लेकिन उससे नेशनल लेवल पर हर कंट्री को अपने लोकल लेवल तक इम्प्लीमेंट कराना है तो वो एक कोलैबोरेटिव मैनर में ही हो सकता है. इसका क्या है कि ये सपोर्ट करते हैं जो टू सपोर्ट द कन्वेंशन समटाइम प्रोटोकॉल्स, अगर इनको सपोर्ट करने के लिए जो ट्रीटीज़ या कन्वेंशन सपोर्ट करने के लिए प्रोटोकॉल्स को फ्रेम किया जाता है. प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल इज़ अ an international agreement that stand on its own but is linked to an existing convention. यानी कुछ पहला है उसमें और नया जोड़ के बनाया तैयार किया जाता है. तो सबसे पहला जो कन्वेंशन हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे हमने बहुत सारे कन्वेंशन लेकिन हमने अपने जो कोर्स में नहीं है उन्हीं को हम बात करेंगे. तो पहला है हमारा वेटलैंड कन्वेंशन, यानी और इसको रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं. ये 1975 में
बना था और ये कन्वेंशन प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड हैबिटेट्स, यानी आर्द्र भूमि का। और जो इसके लिए जैसे हमने बात की थी ना कि कुछ एजेंसीज हैं उनके बारे में, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को के नाम से हम परिचित हैं, ये इसमें एक संयोजक के रूप में काम करता है, ये सर्व करता है एज ए डिपॉजिटरी फॉर द कन्वेंशन एंड इट्स, और इसका जो सेक्रेटरियट है यानी इसका जो कार्यालय है वो रैमसर ब्यूरो ग्लेन स्विट्जरलैंड में है। और जो रैमसर है वो एक ईरान की सिटी है और अगर दुनिया भर में देखें तो करीबन 2200 रैमसर साइट्स निर्धारित की गई हैं। और ये जो रैमसर साइट्स हैं ये इनका जो लिस्ट किया जाता है अंडर द कन्वेंशन एंड मैनेजिंग वेटलैंड फॉर द बेनिफिट ऑफ वाटरफाउल। द कन्वेंशन एम्स टू हॉल्ट द लॉस ऑफ वेटलैंड, जैसे हमारे यहाँ सुंदरवन है, एंड टू इंश्योर द कन्वेंशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना एंड देयर इकोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जो भी वेटलैंड के जो जैव विविधता है उसको बचाने के लिए, क्योंकि जब पॉपुलेशन ग्रोथ है तो हमने हमारे जंगलों के साथ साथ में ये वेटलैंड एरियाज पर भी अपना रिहाइश और अपने लाइवलीहुड के लिए हमने काम करना शुरू किया। तो इसीलिए ये कन्वेंशन आया कि हमें इस कन्वेंशन का जो एम था कि हॉल्ट द लॉस ऑफ वेटलैंड एंड टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ दिस पर्टिकुलर साइट। इसके जो ऑब्लिगेशंस हैं या इसकी जो विशिष्ट है पार्टीज़ का क्या था कि ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज इंक्लूड डिजिनेटिंग वन और मोर वेटलैंड फॉर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, प्रमोटिंग वाइज जुडिशियस यूज ऑफ वेटलैंड इंक्लूडिंग मैंग्रोव्स। और इंडिया ने रैमसर कन्वेंशन में 1981 में एंटर किया था, वो इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बनी थी। और हमारे भारत में जो चिल्का लगून है उड़ीसा में और केवला देव नेशनल पार्क, ये जब 1981 में रैमसर साइट में जब बना था तब इसमें ये दोनों डेजिग्नेट किए गए थे। और उसके बाद से लेकर अब तक 26 वेटलैंड इस रैमसर साइट के अंदर आते हैं और जो कि लगभग 689,131 हेक्टेयर एरिया को कवर करते हैं, सरफेस एरिया कवर किया जाता है इसमें। इसकी जो ऑब्लिगेशन में अगला था कि ये प्रमोट करता है रिसर्च ट्रेनिंग प्रमोटिंग ये ट्रेनिंग के लिए प्रपोज करते हैं प्रमोट करते हैं इन द फील्ड ऑफ वेटलैंड रिसर्च मैनेजिंग एंड वार्डिंग के लिए और कंसल्ट विद अदर पार्टीज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन स्पेशली विद रिगार्ड्स टू ट्रांस फ्रंटियर वेटलैंड शेयर्ड वाटर सिस्टम शेयर्ड स्पीशीज एंड डेवलपमेंट ऑफ वेटलैंड प्रोजेक्ट्स। दूसरा हमारा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके थ्रू सभी नेशंस जो भी इसके मेंबर हैं उन्होंने ये कमिट किया था कि themselves to protecting the ozone layer and to cooperate with each other in scientific research to improve understanding of the atmospheric processes and serious consequences of ozone depletion. So dear learners, this is all about environmental legislation. We will come again to meet you with a new program of environmental science. Till then, thank you and be safe, stay healthy and apply और आप कोविड नॉर्म्स को ज़रूर पालन करें। धन्यवाद।